खैर अपने को भी मौका मिल गया एक छोटा सा राइड का। ये नाइंसा भी है। तो अभी बज चुके हैं रात के 1:35। अभी यहाँ से शुरू होता है और भी सुनसान रास्ता। তুই বাদ তোরা কিচ্ছু করিস নি। হয়ে গেলো জড়িয়ে গেল কেসে। এইটাকে দে अपने DS Moto Adventure के हर एक फैमिली मेंबर को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप लोगों ने तो देखा ही कि बच्चों ने कैसे सेलिब्रेट किया आज का दिन। तो अभी मैं जाने वाला हूँ काचरापाड़ा फिर से, क्योंकि आज वहाँ पे एक रिसेप्शन पार्टी है, उसमें हम जाएंगे भाई फोटोशूट करने के लिए। तो अभी बज चुका है 4:05, चलो अभी निकलते हैं नहीं तो देर हो जाएगा। तो अपने जान पहचान वाले जितने भी राइडर है सब आज 15 अगस्त के लिए राइड पे गया हुआ है। यार वो फोटो पब्लिश कर रहा है और मैं सिर्फ देख ही रहा हूँ, क्या करें हम तो नहीं जा पाए। पर बार बार यही लग रहा है कि 2020 क्यों आया है अपने ज़िंदगी में। खैर अपने को भी मौका मिल गया एक छोटा सा राइड का, भले ही वो 30 किलोमीटर का हो, फिर भी राइड तो राइड ही है। तो अभी बाइक लेके निकलने के बाद ना थोड़ा सा दिल को ना एक ठंडक महसूस हो रहा है। तो आज मैं हाईवे पकड़ के नहीं जा रहा हूँ, यार हाईवे इतना ख़राब है। तो ये वाला रास्ता जो है ये गांव के अंदर होते हुए जाता है। भाई क्या नज़ारा है, देखो नज़ारा। फोटो तो बनता ही है, ये सारा जगह जो है या ये सब पाठ है पाठ। सो हम पहुंच गए हैं अभी काचरापाड़ा। तो अभी इवेंट शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग गप्पे लड़ा रहे हैं। तो आज फिर से हमारे साथ है अनिरुद्ध, हाय, पुराना आदमी पुराना चेहरा, और ये नया चेहरा है, हाय, इंट्रोड्यूस करो। हाय अरिंदम, और इंदम, ये भी फोटोग्राफर और ये भी फोटोग्राफर।
और मैं अकेले वीडियोग्राफर, ना इंसाफी, ये ना इंसाफी है। दो फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर। वही को देखी था भाई बॉल की खेली আমিও চাইলাম কিন্তু একটুখানি দিন বাবার তো বিয়ে সেলফি টাইম দুসরা সেলফি ও ভাই কিতনা ব্রাইড ও ভাই দেখো কিতনা ব্রাইড তো হমারে তরফ সে আপ দোনো কো হ্যাপি ম্যারিড লাইফ বুম चलो टाटा। तो हम लोगों का काम हो गया है ख़त्म और हम जा रहे हैं घर। अभी इस सुनसान रास्ते से मुझे अकेले जाना होगा। यहाँ पे लोकेलिटी दिख रहा है, यहाँ से जितना आगे जाऊँगा मैं तो वहाँ पे लोकेलिटी और भी कम हो जाएगा। गांव है, खेत है, तो उसके बीच से मुझे जाना पड़ेगा, वो भी अकेले। तो अभी बज चुके हैं रात के 1:35। अभी यहाँ से शुरू होता है और भी सुनसान रास्ता। इस रास्ते से ना मैं कभी भी इतना रात को नहीं गया हूँ। हालांकि ये रास्ते में मैं दो या फिर तीन बार ही गया हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतना रात। फाइनली पहुंच गए, अपना थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। सच बताओ तो इस रास्ते पे ना थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि कभी भी मैं ऐसे सुनसान रास्ते पे अकेले राइड नहीं किया। तो जब भी आता हूँ तो मेन रोड पकड़ के आता हूँ, ऐसा सुनसान रास्ते से कभी नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगा भाई मुझे, सच बोल रहा हूँ। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, एंड फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।